शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहें, आप प्लीज अपनी बेटी की नजर उतरवा लीजिए। आज ही पंडित जी को बुलवा लेती हूँ। पंडित जी, हमारी बेटी की जिंदगी के उतार चढ़ाव बंदी नहीं हो रहे। अगर उसकी बहन, जिसके पैर पर काला टीका है, यदि वो पूजा करे तो उर्वशी की हालत में सुधार हो सकता है। हमें लगा था कि हमारा सरप्राइज देखकर तुम खुश हो जाओगी, हमारे रिश्ते को फिर से एक मौका दोगी। बहुत हो गया गौरव और गहना का एक दूसरे के पीछे इस तरह से भागना। अब वक्त आ गया है कि गौना से अलग होकर गहना अपना खुद का एक वजूद बनाए। आज तो मम्मी की स्पेशल कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनाऊंगी और श्लोक और मैं मजे से खाएंगे। रमेश, ये गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर लेके आओ और इसे बदलो। जी मैम साहब। इस घर के नौकर भी ना एक नंबर के कामचोर, दरवाजा खोलने भी हमें ही जाना पड़ेगा। ये उर्वशी मैडम के लिए। फ्लेम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस उर्वशी, आपकी कंपनी को हमारे फैशन वीक में अपना कलेक्शन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इतना बड़ा ऑर्डर, पहले ही अपने नखरों से हमारी नस काट दी। अगर ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया तो भरतनाट्यम करते हुए गर्दन काट देगी सारा। वैसे अभी तो वो बिस्तर पे, उसे क्या ही पता चलेगा। सिलेंडर बदलने में इतना टाइम लगता है, और ये स्मेल कहां से आ रही है? मैम साहब, पाइप को चूहे ने कुतर दिया है, इसलिए लीक हो रहा था। अब जब तक दूसरा पाइप नहीं लगेगा तब तक सिलेंडर भी नहीं लगेगा। अरे तो क्या हो गया, गैस वाले को फोन कर दो और नया गैस पाइप मंगवा लो। आज तो दुकान बंद है, कल आएगा वो। अब हम प्रिंस के लिए खाना कैसे बनाएंगे, वो क्या खाएगा? और उर्वशी मैम साहब, वो तो बाहर का खाना खा भी नहीं सकते। तुम जाओ बाजार, जाओ कोई ना कोई दुकान खुली होगी, जाओ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बड़े मैम साहब। ये गैस वगैरह तो बहुत शहरी चीजें हैं, हमारे गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं और उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है ना गहना? ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम आज खाना चूल्हे पे बनाएं। गहना, तुम्हें चूल्हे पे खाना बनाना आता है ना? वो तो हम भी बना लेते हैं, हम गहना की मदद कर देंगे बड़े मैम साहब। बेटा, तुम अब ड्राइवर नहीं रहे, हमारे दामाद हो, और मैं बड़ी मेम साहब नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नए रिश्ते तो हमने जोड़ लिए, पर पुरानी जिम्मेदारियों से अपना नाता नहीं तोड़ा है। इन नए रिश्तों को समझने और अपनाने में हमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जाके उर्वशी मैडम को बताती हूँ कि यहाँ क्या रासलीला चल रही है। हाँ, इससे चूल्हा जलाने में आसानी होगी। ये ले जाते हैं।
शहर की लड़कियों की तरह यहाँ की लकड़ियां भी जिद्दी हैं, चलती नहीं है। याद है चुईया, जब बचपन में हमारे चेहरे पर ऐसे काली लग जाती थी तो तुम बिल्कुल ऐसे ही हंसती थी, और फिर जब हम तुम्हारे दुपट्टे से अपना मुंह साफ करते थे ना, तब तुम्हारी हंसी जाती थी। अब हमारी हंसी रोकने के लिए आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं है मालिक, हमारे चेहरे की हंसी खुद ही गायब हो गई। आप जाइए, मुंह धो लीजिए अपना, ये काम हम खुद कर लेंगे। उर्वशी मैडम, आप यहाँ बेड पे लेटी हुई है, वहाँ वो गहना आपके पति के साथ मिलकर आपकी गृहस्थी में आग लगा रही है, चूल्हा जला रही है, खाना बना रही है वो। झुमकी, तुम ना अपने काम से काम रखा करो और जाकर मेरा लेटर ढूंढो और निकलो यहाँ से। चिल्ला रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया है ना गुस्सा करने से? तो फिर और क्या करूँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डफर्स की ना फौज भर रखी है इस घर में, एक काम नहीं होता इन लोगों से। मुझे कॉल आया था फ्लेम से, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है उसकी एक लेटर भेजी गई है मुझे, उनका सर्वर डाउन था तो वो मेल नहीं कर पाए। उस लेटर में उस इवेंट के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन थी, और अब वो लेटर नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँ? हम तो नीचे से ही आ रहे हैं, हमें तो कोई लेटर वेटर दिखा नहीं। बहुत अजीब बात है ना, उन्होंने कहा है कि घर में से ही किसी को वो लेटर दिया है और अब जिसको पूछो उसको पता नहीं। मैम साहब, आप इसे ही ढूंढ रही थी ना? ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो हम कूड़ेदान में पुराने अखबार लेने गए थे चूल्हा जलाने के लिए। जब हम चूल्हा जलाने जा ही रहे थे कि ये तो उर्वशी मेम साहब का नाम लिखा है। आपका नाम हमने देखा इस पर, इसलिए बस आपके पास लेकर आ गए। ये गहना हमेशा हमारे मनसूबों पर पानी फेरती है, इसे तो छोड़ेंगे नहीं हम। तुम्हारी मेरे इतने इंपॉर्टेंट लेटर को चूल्हे में जलाने की, वो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? वजूद क्या है तुम्हारा? पहचान क्या है तुम्हारी? तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि आज जिस पोजीशन में मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये झाड़ू बर्तन करके चार पैसे कोई भी कमा लेता है गहना, लेकिन मेरे मकाम तक पहुँचने के लिए टैलेंट और किस्मत दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। बस करो उर्वशी, गहना ने तुम्हारा खत जलाया नहीं, तुम्हें लाके दिया है। पता नहीं किस बेवकूफ ने उसे रद्दी में डाल दिया था। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम उसे ही उल्टा सुना रही हो। शुक्रगुजार किस चीज का माँ? अब मैं ही ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती, ये ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतना स्टॉक नहीं है मेरे पास, और मेरी हालत तो आप देख ही रही है। ऑर्डर क्यों कैंसिल करना है? गहना है ना, गहना कर देगी तुम्हारा पूरा ऑर्डर, पहले भी तो मदद किया था ना उसने, और मुझे गहना पे पूरा भरोसा है। जब हम सिर्फ एक नौकरानी है, और नौकरानियां सिर्फ झाड़ू और बर्तन करने के लायक होती हैं, मुझ जैसे टैलेंटेड काम करने के लायक नहीं। मम्मी जी, उर्वशी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, घर के नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस श्रेया, ये बात मत भूलो कि कितनी बार
गहना ने हम सबको मुसीबत से बचाया है, और तुम गहना ने पहले भी मदद की थी ना तुम्हारी, तो अब क्या हो गया? माम अगर मेरी बात समझ, बड़ी मैम सब ठीक कह रही हैं। और हमारा भी यही मानना है, गहना से बेहतर इस कंपनी को कोई और नहीं बचा सकता। काम को कम समय में करने की कला और मेहनत सिर्फ गहना के पास में है। अच्छा, हमें भी क्लाइंट का फोन आया था, हमने उन्हें कह दिया है कि उर्वशी फैशन हाउस ने ना आपको कभी पहले निराश किया है और ना ही अब करेंगे। नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, एक नौकरानी मेरा ऑर्डर पूरा नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी, चाहे मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर कैंसिल करना पड़े, एंड दैट्स फाइनल। वाह, ये तो खुद ही अपने करियर की नस काटने पर तुली हुई है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? वजूद क्या है तुम्हारा? पहचान क्या है तुम्हारी? तू झाड़ू बर्तन करके चार पैसे कोई भी कमा लेता है गहना, नौकरानियां सिर्फ झाड़ू और बर्तन करने के लायक होती है। मालिक, आप जाइए यहाँ से। नहीं गहना, जब तक तुम ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हामी नहीं भरती हो ना, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। मैम सब मान गई, मैम सब बिल्कुल सही कह रही थी, ये काम पूरा करने के लिए हम ना तो काबिल हैं और ना ही हम में कोई काबिलियत है। अगर हम हैं तो एक नौकरानी ही ना, तो क्या हुआ अगर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, करते तो हम लोगों के घर पे बस झाड़ू पोछा ही है, और आखिर हम बर्तन धोने वालों की क्या ही औकात, तो क्या हुआ अगर हमने एक बार उनका काम पूरा कर भी लिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार काम करने से कोई काबिलियत थोड़ी आ जाती है, मालकिन थोड़ी बन जाते हैं हम, नौकरानी है और नौकरानियां तो नौकरानियां ही रह जाती है। खैर, मालिक आप इस नौकरानी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, ये नौकरानी संभाल लेगी खुद को। नहीं कहना, आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई नौकरानी नहीं समझेगा, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, और तुम्हें वो इज्जत और वो रुतबा जरूर मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, ये हमारा वादा है तुमसे। मानी फैशन डिजाइनर उर्वशी चौधरी का ब्रांड तबाह हो रहा है, ये वाहियात हरकत किसने की? हमने। आपको ये बताने के लिए अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपने परिवार की मदद लेकर पटना की नंबर वन डिजाइनर बने रहिए, या फिर अपने करियर का इतना बड़ा ऑर्डर मना करके इतनी मेहनत से कमाए हुए नाम और रुतबे पर कीचड़ उछाल दीजिए। Dare not। उर्वशी चौधरी को किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए मैडम। मैडम, आपकी आत्मनिर्भरता के कायल हैं हम, पर
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लेकर आती है जहाँ पर हम बिना किसी की मदद के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसे वक्त किसी की मदद लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि इंसान जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, अपने करियर के इतने बड़े ऑर्डर को कैंसिल करने की बजाय हम पर भरोसा कीजिए कि हम आपके काम को बखूबी निभा पाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है गौरव, पर गहना पर नहीं। मैडम, हम सिर्फ एक मॉडल हैं। कपड़े बनाने की कला और उन्हें समझने की काबिलियत गहना में है। इसलिए अगर आप हम पर भरोसा करती हैं तो हमारे विश्वास पर भी यकीन कीजिए। मान जाइए मैडम, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गहना आपके भरोसे पर खरा उतरेगी, आपको निराश नहीं करेगी। ठीक है, पर एक शर्त पर। कल सुबह 9 बजे से पहले गहना को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके अंदर ये कला है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। वो 2 टके की नौकरानी मेरा ऑर्डर कभी पूरा कर ही नहीं पाएगी, अपने आप को कभी भी साबित नहीं कर पाएगी। हाँ बस हम निकल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तुम तब तक वहां पर पहुंचो और सारी खबर निकालो, ठीक है? कितनी बार तुमसे कहा है अचानक से ऐसे सामने मत आया करो। आप ये भूल गए थे, एक और बात करनी थी। बोलो। जब पंडित जी ने वो काला टीका वाली लड़की के बारे में बताया था तो आप वहां से अचानक उठकर चले गए। सच सच बताइए, बात क्या है? क्या ऐसी कोई लड़की है उर्वशी के अलावा आपकी और कोई बेटी है? क्या आपने हमें कभी धोखा दिया था? कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी भी अहरे गहरे पंडित ने कुछ भी कह दिया तो तुम मान लोगी? तुम तो जानती हो ना, 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए ये कुछ भी बकवास करते हैं। हमें उसकी बात उल्टी सीधी लगी इसलिए हम वहां से उठ गए थे। खाइए उर्वशी की कसम। उर्वशी की कसम। अब तो ठीक है, हमें बहुत जरूरी काम है, चाहे हम। महेंद्र जी आपसे जवाब चाहिए। बताइए महेंद्र जी, क्या ये सच है कि आपकी एक नाजायज औलाद है? महेंद्र जी, आपकी बेटी उर्वशी का काला टीका कौन है? महेंद्र जी, अब क्या करेंगे आप? उस लड़की को घर लाकर बाप का नाम देंगे? बताइए महेंद्र जी। ये लोग यहाँ पर कैसे? ये सब इन लोगों को कैसे पता चला? ये तो हमारे घर की परिवार की बात थी, कौन है हमारे घर का भी पीछा? बेइज्जती के बदले बेइज्जती इसे कहते हैं पापा। एक नौकर के सामने आपने अपने बेटे की इज्जत उछाली थी ना, ये उसी का नतीजा है। महेंद्र जी जवाब दीजिए, इस काले टीके का राज क्या है? महेंद्र जी बताइए। महेंद्र जी जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। बंद करो बकवास और निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लेंगे। सिक्योरिटी, यहाँ से निकालो इनको। महेंद्र जी जवाब दीजिए। महेंद्र जी बाहर चलिए, आप लोग चलिए। आप ठीक तो है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप चलिए आराम कर लीजिए थोड़ा सा। सुधार, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले हैं, हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे। हमें ये काम कैसे भी आज ही पूरा करना है, वरना ये ऑपोजिशन वाले, इनका नाटक कभी खत्म ही नहीं होगा। जी जाओ। उर्वशी की एक छोटी बहन है जिसके पैर में काला टीका है। यदि आप चाहते हैं कि उर्वशी की गृह दशा में सुधार हो तो उस बहन को ढूंढना होगा। वो बहन जिसके पैर में काला टीका है वही उर्वशी को बचा सके, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। बताइए महेंद्र जी, क्या ये सच है कि आपकी एक नाजायज औलाद आपकी बेटी उर्वशी का काला टीका कौन है? उर्वशी को बचा सकती है। उर्वशी के पापा, क्या हो गया इनको?
कुल डॉक्टर को फोन करो। हाँ। फोन करो। इन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। किस्मत वाले हैं आप लोग के ये बच गए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, इससे अगर इनको आराम आता है तो अच्छी बात है, वरना शायद सर्जरी करनी पड़े। हाल फिलहाल तो इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ध्यान रहे कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उर्वशी मेम साहब क्लाइंट को डिजाइन्स भेजती हैं और फिर क्लाइंट हामी भरते हैं, तब जाकर कपड़े बनते हैं। तो सब कुछ पहले से ही आता है क्या? अरे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। हम इस घर के नौकर हैं, यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आए थे। यहाँ मालकिन बनने नहीं आए हम। जब तक ये नौकरानी वाली बात तुम वापस नहीं लेती हो ना, तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाने थे। नौकरानी ही तो है आपकी, बताइए और क्या है हम? अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।